आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे स्थिर वोल्टेज विधि से बैटरी को चार्ज करना। बैटरी चार्ज करने की चार विधि है, कौन कौन सी? स्थिर करंट, स्थिर वोल्टेज, ट्रिकल चार्जिंग और एक होती है रेक्टिफायर परिपथ या बैटरी चार्जर द्वारा। तो अपन स्थिर करंट वाला प्रैक्टिकल इससे पिछला प्रैक्टिकल में कर लिया, अब करेंगे स्थिर वोल्टेज विधि से बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है। तो स्थिर वोल्टेज विधि में वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। स्थिर कितना रखा जाता है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का 10% कितना हो गया? 1.2। 1.2 का मतलब 12 वोल्ट से ऊपर देना आपको 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, अधिकतम अपन 15 वोल्ट दे सकते हैं। तो मतलब हो गया इसका 10 से 20%। 12 वोल्ट बैटरी को 15 वोल्ट तक आपको वोल्टेज का मान देना है, 12 वोल्टेज से कम नहीं देना है। और वोल्टेज का मान रखना है फिक्स, कॉन्स्टेंट रखना है। करंट विधि के अंदर करंट का मान कॉन्स्टेंट रखा जाता है और ये वोल्टेज का मान। और ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है कि उसकी करंट कैपेसिटी का 2 से 3% देकर लंबे समय के लिए उसको चार्जिंग अवस्था में अपने छोड़ देते, ठीक है। एक होती है बैटरी चार्जर विधि द्वारा। बैटरी चार्जर जितनी कैपेसिटी है उस वोल्टेज पर, उस करंट पर उसको सेट कर देना, उसमें करंट और वोल्टेज का मान फिक्स रहता है, ठीक है। तो अपन दो नंबर प्रैक्टिकल है बैटरी चार्जिंग विधि का, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। तो इसके लिए आपको वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए क्या चाहिए? या तो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज अपन कम कर सकते हैं, या ड्रॉप करने के लिए आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़कर अपन वोल्टेज के मान को क्या करते हैं? कम करते हैं। वोल्टेज वो रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, जितना वोल्टेज अपन ले रहे हैं उतना वोल्टेज लेकर बैटरी को लगा दें। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको टेस्ट करना है। पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव में नेगेटिव। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है। अब इसका परिपथ आपको पहले मैं समझाऊंगा किस प्रकार परिपथ आपको तैयार करना है, इसका कैसे कनेक्शन करना है, वो सर्किट डायग्राम में पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद में अपन कनेक्शन करें। तो चलो अपना स्थिर वोल्टेज विधि से बैटरी को चार्ज करना। अब इसका कनेक्शन कैसे करना आपको? सप्लाई स्रोत लेना है, फेज और न्यूट्रल। यह है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में वोल्टेज के मान को नियत करने के लिए, स्थिर करने के लिए अपने ऑटो ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं। यह है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन वोल्टेज के मान को कम ज्यादा कर लेंगे। फिर आपको एसी को डीसी में बदलने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लगाएंगे अपने मेटल रेक्टिफायर, ठीक है। मेटल रेक्टिफायर में चार वायर निकलते हैं, दो इनपुट के दो आउटपुट। और इससे वेरिएबल ट्रांसफार्मर से, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज का मान करना है। अपने बैटरी है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव। इस बैटरी का वोल्टेज क्षमता है 12 वोल्ट। तो आपको यहां ऑटो ट्रांसफार्मर को 15 वोल्ट पर सेट कर लेना है और 15 वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर लेना है। किसके माध्यम से करेंगे? मेटल रेक्टिफायर के माध्यम से। अब ये मान लो कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, टेस्ट कर लेना आपको। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार आपको सर्किट तैयार करना है। सर्किट बनाकर आपको स्थिर वोल्टेज विधि से बैटरी को चार्ज करना है। आ गया समझ में? अगर आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है तो, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है तो क्या करेंगे अपने? सप्लाई के वोल्टेज को नियत करने के लिए क्या लगाएंगे अपने? यहां एक वेरिएबल
रेजिस्टेंस लगा देंगे सप्लाई के सरणीकरण में, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये एसी सप्लाई है, इसके बाद में क्या हो जाएगी, ये डीसी सप्लाई, आपके पास फेज न्यूट्रल आ जाएगा और बैटरी को चार्ज कर ले। आ गया समझ में, चलो आप कनेक्ट। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने इसका कनेक्शन करेंगे और आपको बैटरी चार्ज करना सिखाएंगे। ये अपने पास एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए मेटल रेक्टिफायर है, और मेटल रेक्टिफायर को कहाँ संयोजित करना है, एसी सप्लाई के साथ। एसी सप्लाई के मान को, वोल्टेज के मान को कंट्रोल किससे करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर से। ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई से, इस एक्सटेंशन बोर्ड से सप्लाई दे रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ से अपने सप्लाई ऑन करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में जाएगी। ऑटो ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज सप्लाई को किस में कन्वर्ट करेगा, 15 वोल्ट पर करना आपको सेट। ये तो 1 वोल्ट को भी कर देगा, 230 को 1 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर देगा। अपने को चाहिए 12 वोल्ट की बैटरी, तो 15 वोल्ट तक सप्लाई देनी, ठीक है। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दिया मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना, और अपने यहाँ वोल्टेज मापेंगे और 15 वोल्ट पर सेट करेंगे डीसी वोल्टेज, ठीक है। ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का ये पॉजिटिव है और ये मेटल रेक्टिफायर का पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। मल्टीमीटर को डीसी सप्लाई पर सेट कर लेना है और ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई दो। स्विच ऑन करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ गई, कितना वोल्टेज दर्शा रहा है, 28 वोल्टेज। कितना वोल्टेज पे सेट करना है, 15, ठीक है, 15 वोल्टेज पे सेट कर लेंगे अपना, ना हो गया 15, 14-15 वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब ये वोल्टेज का मान नियत हो गया, 15 वोल्टेज पे रखना आपको, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ करो, मल्टीमीटर को यहां से हटाओ, ठीक है। अब बैटरी के टर्मिनल टेस्ट करने हैं आपको, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव में नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है। किसी बैटरी में तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा रहता है, और वो किसी कारण मिट भी जाता है, तो आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है, ठीक है। अब ये मानते हैं अपन पॉजिटिव मल्टीमीटर का, ये है नेगेटिव, ठीक है। अब किसी भी वायर को पॉजिटिव आपको देख लेना, पॉजिटिव कौन सा है, अपन ये पॉजिटिव पे लगाएंगे, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको नेगेटिव। अगर ये सही है तो मल्टीमीटर में किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं आएगा। लगाऊं, ये डीसी पे सेट है, अब मैं लगा रहा हूं इस पर, बैटरी का वोल्टेज दर्शा रहा है 12 वोल्ट, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनल गलत लगा रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये टर्मिनल उधर लगाओ और ये मैं इधर लगाऊंगा। अब पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, नेगेटिव वो हो गया। अब लगाएंगे, वोल्टेज का मान दर्शाएगा लेकिन वो साइन नहीं आएगा नेगेटिव वाला, ठीक है। बैटरी अपनी वैसे फुल चार्ज है, आपको प्रैक्टिकल में करके देखना है कि स्थिर वोल्टेज से अपना बैटरी चार्ज कैसे करना। बैटरी 12 वोल्ट आ रहा है सप्लाई, ठीक है, ठीक है, 13 वोल्ट दिखा रहा है। 13 वोल्ट क्यों दिखा रहा है, कि बैटरी में 6 सेल लगे हुए हैं, प्रत्येक सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2.2 वोल्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, टर्मिनल टेस्ट हो गई, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अब मेटल रेक्टिफायर डीसी सप्लाई का पॉजिटिव वायर उठाएंगे, ये पॉजिटिव तो लगाएंगे पॉजिटिव में और नेगेटिव लगाएंगे नेगेटिव में। लगाओ, लगाने के बाद लगा दो, उधर छोड़ दो, लगा दिया पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। अब अपन देंगे 15 वोल्ट यहां से, ठीक है, और आपको लगाकर छोड़ देना है, बीच बीच में आपको टेस्ट करना है बैटरी कितने परसेंट चार्ज हो गए। इस प्रकार स्थिर वोल्टेज विधि से बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब ये अगर आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है तो सप्लाई के श्रेणीक्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा लेना और वोल्टेज को ड्रॉप कर लेना, ठीक है। आ गया समझ में, थैंक यू, धन्यवाद।